हाय एवरीवन, वेलकम टू गुजी की दुनिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का समरी, ईट दैट फ्रॉग, जिसे लिखा गया है बैरन ट्रेसी ने। तो आइए जानते हैं, जैसे समुद्र में वेव्स होती है, वैसे कई बार अपने अपने काम पूरा करने में और रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में पूरा सब कुछ भूल जाते हैं। और यही वजह है कि हमको ट्रिकी होने की ज़रूरत है, हमेशा कुछ बड़े से शुरू करें, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है उसे पूरा करें। ऑथर ने एक एनालॉजी क्रिएट करने के लिए एक जिंदा फ्रॉग को यूज किया, यानी जिंदा मेंढक को यूज किया है। मान लीजिए अगर आपको एक जिंदा मेंढक निकलना होगा, एक जिंदा फ्रॉग निकलना होगा, तो इम्पोर्टेंट टास्क करो, एक इम्पोर्टेंट काम करो, जो करना है जल्दी से कर डालो, इसे देखने में टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। तो सक्सेसफुल बनने का बस यही सीक्रेट है कि जो करना है उसे आज और अभी करना है। इस किताब में 21 स्ट्रेटेजी है जिसे ले करके, इसे यूज करके हम सक्सेसफुल सकते हैं, ऐसा ऑथर का मानना है। इसे बहुत से स्टडीज की गई है जिनसे पता चला है कि सक्सेसफुल लोगों के इमीडिएट एक्शन लेने की आदत ही उन्हें सक्सेस दिलाती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मीटिंग्स पर मीटिंग्स करते हैं, बहुत ब्रिलियंट बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, फिर भी उनका टास्क पूरा, उनका काम पूरा नहीं हो पाता है। इसीलिए अगर हमको प्रोडक्टिव बनना है तो हमको प्रोडक्टिव बनने की हैबिट भी डालनी होगी। काम को डिले ना करने की आदत, प्रायोरिटीज सेट करना और अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम को टैकल करने के लिए आपको एक्सपर्टीज की ज़रूरत है। जब आप मल्टीपल टाइम पे ये चीज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट बन जाती है। जब आप कोई इम्पॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करते हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो आपको अंदर आपके अंदर काम का नशा पैदा करता है। अब भला इससे बेटर क्या होगा कि आपके अंदर एक एडिक्शन पैदा हो जाए जो आपको अपने अनफिनिश्ड टास्क को पूरा करने पर मजबूर कर दे। फिर ये आपके लिए एक ईजी हैबिट बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सक्सेस में कि ये जो 3D है ना, वो है डिसीजन, काम को करने का। दूसरा है डिसिप्लिन, जिसे काम को अंजाम दिया जाए जा सके। और तीसरा है डिटर्मिनेशन, मतलब कि जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे छोड़ना बिल्कुल नहीं है। और फाइनली, अगर आपको सच में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है तो खुद को ऐसे विजुलाइज करना करें, जब आप टालम टोल की आदत से छुटकारा पा लेंगे और अपने टास्क को जल्दी से जल्दी जल्दी पूरा करने की हैबिट बना लेंगे, तो समझ जाएंगे कि अब आप सक्सेस की राह पर भागने लगे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सेट द टेबल के बारे में, मतलब ये कि एक शेर एक लायन शिकार करने से पहले क्या स्टेप लेता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, वो सबसे पहले अपना प्रे यानी कि शिकार को चूज करता है। इस तरीके से आपको भी आपका टारगेट पहले से क्लियर होना चाहिए और फिर बिना रुके अपने काम को स्टार्ट कर देना चाहिए। गोल की लक्ष्य की क्रिएटी ही नहीं बल्कि इसे किसे कैसे करना है, इस बात की भी क्लियरिटी रखें। अगर आपको शॉर्ट टाइम में अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है तो हम आपको 7 क्रूशियल स्टेप्स बताते हैं। फर्स्ट स्टेप है, डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। ज़रा सोचिए कि एक लायन के लिए, एक शेर के लिए इससे बुरा क्या होगा कि वो गलत शिकार के पीछे भागे। दूसरा स्टेप, जो करने का सोचा है उसे लिख लीजिए। अपने गोल को पेपर पर लिखने से आपका मोटिवेटेड होते हैं, आपको उसे क्लियरली और परफेक्टली पूरा करने का एनर्जी मिलती है इस काम को, उस गोल को पूरा करने में। थर्ड स्टेप है, डेडलाइन सेट कर लीजिए। लायन अपना शिकार हंट करने में इतना सक्सेसफुल कैसे हो जाता है, क्योंकि वो इसमें देर नहीं करता, वो अपने प्रे को अपने शिकार को उसी वक्त हंट करेगा जिसके किसी के साथ। चौथा स्टेप है, एक लिस्ट बना लीजिए कि अपना गोल अचीव करने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और पांचवा स्टेप है कि इस लिस्ट को ऑर्गेनाइज कीजिए ताकि ये सिर्फ एक लिस्ट ना रह करके एक प्लान बन जाए। तो प्रायोरिटी और सीक्वेंस के हिसाब से ऑर्गेनाइज करें, और ये करना ज़रूरी इसीलिए है ताकि आपका टास्क छोटे छोटे इंडिविजुअल असाइनमेंट में डिवाइड किया जा सके, जो इजीली अकम्प्लिश्ड हो सके, आप उसे पूरा कर सके। और छठा स्टेप है कि जो भी एक्शन लेना है अभी इमिडिएटली लेना है, कल का वेट ना करें, जो करना है अभी इसी वक्त कीजिए। और इस सातवा स्टेप है, हर रोज़ ऐसा कुछ ना कुछ कीजिए जो आपको अपने गोल की तरफ में ले जाता है, फिर चाहे वो छोटा सा स्टेप क्यों ना हो। फिर चाहे आप किसी न्यू लैंग्वेज के कुछ शब्द क्यों ना सीख रहे हो या कुछ ना कुछ पढ़े हैं, तो मैटर बस
ये करता है कि एक बार आप शुरू हो गए तो फिर आपको रुकना नहीं है। आपकी प्रोग्रेस छोटी ही सही पर है तो सही। इसी के साथ आगे जानते हैं प्लान एवरी डे इन एडवांस के बारे में। मतलब ये कि किसी को बड़ी चीज़ अगर खानी हो तो सबसे ईजी तरीका है, जाहिर सी बात है, उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया जाएगा और फिर खाया जाएगा। तो सेम यही चीज़ आपको गोल के साथ भी करना है। ये टालम टोल से बचने का बहुत बड़ा एफिशिएंट तरीका है, क्योंकि जब आपका गोल छोटे छोटे टास्क में डिवाइड हो जाता है तो इन्हें पूरा करने ज़्यादा इजी हो जाता है। उसके साथ हमको एक बढ़िया प्लान बना करके चलना होगा, कोई भी ऐसा वैसा प्लान नहीं होगा। अब यहाँ पर हमको 6P फॉर्मूला के बारे में बताते हैं, जो सारे कंक्लूजन को दूर कर देगा। ये कुछ ऐसे है, प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिपेयर्स पुअर प्लानिंग पुअर परफॉर्मेंस। यानी कि अपने नेक्स्ट डे के टास्क को लिख लीजिए, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी 25% बढ़ जाती है। आपकी लिस्ट सब लेवल्ड होनी चाहिए, यानी हर स्तर पर होनी चाहिए, मंथली वीकली और डेली के हिसाब से। इस लिस्ट में से आइटम ट्रांसफर करके आप अपना मोस्ट प्रोडक्टिव डे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है सपोज, तो फर्स्ट स्टेप ये लीजिए कि वो सारे स्टेप्स लिख लीजिए जो आपको आपका गोल अचीव करने के लिए चाहिए, और जब आप इन स्टेप्स पर काम करेंगे तो जो हो गया उन्हें टिक ऑफ कर दीजिए, कट कर दीजिए, जिससे कि आपको फील हो कि आपने काम पूरा कर लिया है और ये टास्क आपके पूरे कंट्रोल में है। अब आगे जानते हैं हर चीज़ के लिए 80-20 का रूल अप्लाई करें। जी हाँ, इमेजिन कीजिए कि आपको कुछ ईमेल्स पढ़ने और ग्रोसरीज की शॉपिंग करने के लिए सुपरमार्केट भी जाना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, ईमेल्स पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही 80-20 रूल है जो आपको आप भी करते हैं। उसका 80% टास्क 20% वैल्यू रखता है, इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट टास्क से शुरू करें जिनकी वैल्यू बाकी सारे कामों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो इंपॉर्टेंट काम को टालते रहते हैं और फालतू के काम में पूरा दिन बिजी रहते हैं, और इसीलिए कई बार उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, दुनिया में सारा काम उन्हीं के पास है, मतलब कि टाइम ही नहीं है फिर, क्योंकि असल में उस काम की रियल वैल्यू कुछ होती ही नहीं है। इसलिए याद रखें कि हमेशा इम्पोर्टेंट काम पहले किया जाए। खुद को मोटिवेट करने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप उन कामों को फिनिश कर रहे हैं। आगे अब जानते हैं कि कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि सक्सेसफुल लोग अपने डिसीजन में टाइम फैक्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। आफ्टरऑल एक ऐसी कंपनी जो 20 सालों तक अपनी सक्सेस मेंटेन कर सके, उस कंपनी से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि जो आज की डेट में प्रॉफिट कमा रही है लेकिन अगले 5 सालों में गायब हो जाएगी। एक क्रूशल टास्क की ऑटोमेटिक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर कुछ शॉर्ट टर्म सेक्रीफाइजेस किए जाए तो। क्या आप ये डील करने को तैयार है? आपको हमेशा ऐसे टास्क से शुरुआत करनी चाहिए जिसकी लार्जेस्ट पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो। खुद को मोटिवेट रखने के लिए रिमाइंड कराते रहे कि इस काम का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में क्या होगा। खुद को अपने माइंड के हाथों फुल होना ना बने दे कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जैसा आप फोर्स्ड एफिशिएंसी का लॉस है उसके हिसाब से आपके पास इंपॉर्टेंट काम करने के लिए हमेशा टाइम है। स्टडीज़ और रिसर्च से साबित हुआ है कि अगर आप लास्ट मिनट में जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं तो बेशक आपने उसे फिनिश तो कर लिया, आप कर लेंगे, लेकिन ये भी पक्की बात है कि इसमें गलतियाँ भी बहुत सारी होंगी जो आप रिडू नहीं कर पाएंगे, उन्हें ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इससे तो बेहतर है कि पहले से अपना सारा काम ऑर्गेनाइज्ड किया जाए ताकि फिर डिले के लिए टाइम बच सके। आगे अब बात करते हैं क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में। अगर आपको एक ही दिन में ढेर सारे फ्रॉक्स यानी कि बहुत सारे मेंढक खाने पड़े, यानी कि मुश्किल काम करने पड़े, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट वाला यानी कि पहले वाला मेंढक खाएंगे, बस। यही डिफरेंस है सक्सेसफुल लोगों और फेलियर्स के बीच में। हर कोई टालम टोल करता है, किस बात पर टालम टोल करनी है आप वो चूज कर लीजिए। ना बोलना भी एक कला है, एक आर्ट है, पर आपको ये सीखनी होगी। हर वो चीज़ जो आपके काम की नहीं है, जो आपको अपने गोल की तरफ नहीं ले जाती, उसे ना बोलिए। अपने लाइफ से टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ को कट डाउन कर दे, जैसे कि टेलीविज़न देखने के बजाय आप कोई किताब पढ़ सकते हैं, और हाँ, सुन भी सकते हैं, जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि ABCD मेथड के बारे में, जिसे आप लगातार यूज कर सकते हैं। ABC मेथड की बात करें तो जैसे कि नाम से पता चलता है कि A आपका सबसे इम्पोर्टेंट फ्रॉग है, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और B वो टास्क है जो आपको करना चाहिए, लेकिन आप नहीं भी करते हैं तो ज़िंदगी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में, ये आपके लिए मस्ट नहीं है कि करना नहीं चाहिए इस कैटेगरी में।
सी जो है वो ऐसा काम है जिसे करना ठीक रहेगा, लेकिन इसे ना करना इसको आप ये आपकी लाइफ को बिल्कुल भी अफेक्ट कर नहीं करने वाला। और डी ऐसा काम है जिसे आप किसी और को असाइन कर सकते हैं, यानी आपको खुद को करने की ज़रूरत नहीं है। और ई वो टास्क है जो आप अबेलिश कर सकते हो और ये आपकी लाइफ में कोई इम्पैक्ट डालेगा ही नहीं। तो आपको काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी जिससे कि आप अपना टास्क इमिडिएटली स्टार्ट कर सकें, और जब तक पूरा ना हो तब तक ना रुके। तो कहने का मतलब ये है कि अभी से शुरू कीजिए कि ए बी सी डी ई मतलब वो कौन कौन से काम है जो आपको तुरंत करने हैं, और वो कौन से काम है जो आपको नहीं करने हैं या बिल्कुल नहीं करने हैं या किसी को साइन करने हैं। लिस्ट बनाइए और काम स्टार्ट कर दीजिए। आगे जानते हैं कि बी रिजल्ट एरिया पर फोकस करने के बारे में। जब कोई लायन यानी कि जब कोई शेर किसी हिरन का शिकार करता है तो वो तुरंत उसे मारता नहीं है, बल्कि अपने काम को सिंपलर और ईजी टास्क पर डिवाइड कर लेता है। इस एग्जाम्पल के तौर पर शेर पहले उसे पहले अपने पैर उसके पैरों को घायल करके उसे ज़मीन पर गिरा देगा, फिर उसके गर्दन पर अपने टीथ गाड़ेगा, अपने दांत चुभाएगा। इस तरीके से आपको हर जॉब को 5 या 7 की रिजल्ट एरियाज में बांट लेना चाहिए। आपको अपने की रिजल्ट एरियाज को पिन पॉइंट करना है और यही आपकी जॉब का मोस्ट इम्पॉर्टेंट आउटपुट है। जैसे कि किसी सेल्स पर्सन के लिए न्यू अकाउंट बनाना, तो अपने की रिजल्ट एरियाज को मास्टर करना ही सक्सेसफुल आउटपुट की गारंटी है। अब आगे बढ़ते और जानते हैं कि स्टार्ट करने से पहले अच्छी तरीके से प्लान कर लीजिए कि किसी भी काम को, जैसे कि आप किसी फूड को प्रिपेयर करने से पहले सारे चीज़ें अरेंज करके रख लेते हैं ताकि टाइम और एफर्ट्स बच सकें। तो यही सेम चीज़ वर्किंग के साथ भी, अपने काम के स्टार्टिंग से पहले ही हर चीज़ को अरेंज कर ले, यहाँ तक कि कुछ देर के लिए हर चीज़ फ्लोर पर रख करके अपने डेस्क को क्लीन कीजिए। आपका वर्क प्लेस एंजॉयबल होना चाहिए, इसे कितना हो सके उतना कंफर्टेबल बनाएं ताकि जब आप शुरू करें तो कोई भी चीज़ आपको रोक ना सके। टास्क फिनिशिंग में बॉडी लैंग्वेज का भी अपना रोल है। हमेशा स्ट्रेट बैठे, एकदम सीधे, फ्लोर पर पैर फ्लैट रखें, आपके बैक चेयर से दूर फॉरवर्ड होनी चाहिए। बेशक कभी आप तैयार नहीं हैं फिर भी आप शुरू कर सकते हैं। अपना 80% जॉब पूरा कीजिए, फिर करेक्शन बाद में कर लेना। अपने माइंड में फियर को आने ही ना दें। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक बार में एक ही ऑयल बैलर को उठाने के बारे में। मतलब ये कि पुरानी कहावत है कि द जर्नी ऑफ 1000 लीक्स बिगन्स विद अ सिंगल स्टेप। काम को टालने से बचने के लिए उसे आप छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। यकीन माने, गारंटी के साथ आपको सक्सेस मिलेगा। कुल मिला करके सक्सेस को ऐसे समराइज कर सकते हैं कि फर्स्ट, टेकिंग द फर्स्ट स्टेप, सेकंड, टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अपनी स्किल्स को अपग्रेड कैसे करें। अगर आप सक्सेस चाहते हैं तो लर्निंग करना कभी ना छोड़ें, क्योंकि आप अगर टाइम के साथ बेटर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं इन्हें दूर करें और खुद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। और लर्निंग तो आपको कभी छोड़नी ही है नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। जिस काम पे आप अच्छे हैं उसे आज ही शुरू कर दें, इससे बढ़िया मोटिवेशन और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप प्रॉपर एफर्ट और टाइम लगाए तो दुनिया में हर चीज़ सीखी जा सकती है। तो 3 key steps से फॉलो करके आप अपने फील्ड के मास्टर बन सकते हैं। पहला है कि जो भी आपकी फील्ड है उसके बारे में एटलीस्ट 60 मिनट डेली पढ़े। उसके बाद उसे जुड़ी हुई जितने भी कोर्सेस या सेमिनार्स उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, उन्हें अटेंड करिए ताकि आप उस फील्ड पे और भी बेहतर हो जाए। और फाइनली अपने कार पर ट्रैवल करते हुए एजुकेशनल ऑडियो प्रोग्राम सुने, जिससे कि आप ट्रैफिक जाम में भी कुछ ना कुछ लर्न कर रखें, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे हैं अभी। और अब आगे जानते हैं लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट के बारे में। किसी सेलर या फॉर्मल की तरह हर किसी को अपना बेस्ट स्किल पता होता है और वो उसे ट्रेनिंग और नॉलेज से नरिश करता रहता है। अपनी यूनिक वैल्यूज़ को जाने और फिर उन्हें नरिश कीजिए। जिस चीज़ के लिए आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं शुरुआत वहीं से कीजिए। जो आपको करने में एंजॉयबल लगता है और आपको मज़ा आता है वही कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस काम का आपके लाइफ पर मोस्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है तो बस शुरुआत कीजिए और आगे बढ़िए। अब आगे बात करते हैं अपने की कॉन्स्टेंट्स के बारे को आइडेंटिफाई करने के बारे में। हर किसी का एक लिमिटिंग फैक्टर होता है जो उसे उसके गोल्स तक पहुंचने से रोकता है। जैसे कोई शेर किसी शिकार के पीछे पड़ा है, इसीलिए आप पहले अपने लिमिटिंग फैक्टर को कंसिडर करके उसे दूर कीजिए। जैसे शेर पूरी तरीके से अपने शिकार पर नज़र गड़ाए रखता है, आप भी अपने लिमिटेड ऑब्जेक्शन से छुटकारा पाने के लिए अपने सारे मेंटल एबिलिटी को लगा दीजिए। तो आपके
लिमिटेड फैक्टर्स के 80% तो इंटरनल होते हैं जैसे कि क्वालिटीज और एबिलिटीज, और 20% एक्सटर्नल होते हैं जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर्स। इसीलिए ध्यान से आपके राइट चौक पॉइंट को आइडेंटिफाई कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आप किसी गलत चीज़ को अपना लिमिटिंग फैक्टर समझ करके उसे करेक्ट करने के चक्कर में टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं खुद पर कैसे प्रेशर कैसे बनाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। किसी मोटिवेशन का वेट करना जो कभी मिलने वाली नहीं है, ठीक ऐसा ही है जैसे किसी बस का वेट करना जो कभी आएगी ही नहीं। लीडर आपको अगर बनना है तो खुद पर भी प्रेशर डालना सीखना होगा। आपके सेल्फ स्टीम आपकी रेपुटेशन है, देर तक काम करने की हैबिट बनाएं, खुद को ग्रो बनाने करने का चांस दीजिए। इमेजिन करें कि कल ही आप ये टाउन छोड़ करके जा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जो आपको जाने से पहले फिनिश करना है, और बस उस काम को फिनिश करने में लग जाइए। अब आगे बात करते हैं अपनी पर्सनल पावर को मैक्सिमाइज करने के बारे में। मतलब ये कि मशीन को फ्यूल चाहिए काम करने के लिए, ऐसे आपको खाना पानी और आराम चाहिए। काम के ख़त्म होते होते पॉजिटिविटी ख़त्म होने लगती है। लॉन्ग आवर्स तक काम करने का मतलब है कि आप ज़्यादा टाइम में थोड़ा ही अकम्प्लिश कर पाएंगे। पूरे दिन में मोस्ट प्रोडक्टिव आवर को चूज कर लीजिए, और अगर आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं तो सारी रात जागना बेकार है। प्रोडक्टिव लाइफस्टाइल के लिए रात में जल्दी सो जाइए और रेगुलर वेकेशन लेते रहे, हेल्दी खाइए, और डेली रूटीन में फिटनेस सेशन के लिए कुछ जगह रखिए। ये बड़ा सिंपल और इजी लगेगा, लेकिन यही चीज़ें जो आपके और आपके लाइफ गोल्स के बीच में हैं। आगे बात करते हैं खुद को एक्शन लेने के लिए कैसे मोटिवेट करें। खुद के बारे में पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें, और जो कुछ भी आपके साथ होता है उसका पॉजिटिव मीनिंग निकालें। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी बने। किसी भी एक्सटर्नल सर्कमटेंस को अपना इनर मूड अफेक्ट करने ना दें। आई फील टेरिफिक और आई कैन डू इट, ऐसे सेंटेंसेस रिपीट करते रहे जब तक कि आपको उस बात पे पूरा यकीन नहीं हो जाता। आशावादी बनना सीखा जा सकता है, जो कि आपके ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा। इसके लिए आपको हर सिचुएशन में अच्छाई देखनी है, हर फेलियर में कुछ लेसन देखना है, और हर परेशानी का सलूशन देखना है। आशावादी लोग हमेशा अपने गोल के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं, और उनके माइंड में यही चलता है कि अब अगला स्टेप क्या होगा और उन्हें अपना गोल अचीव करने के लिए अब क्या करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गेट आउट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल टाइम सिंक्स। डबल धारी तलवार की तरह टेक्नोलॉजी हमारे दोस्त भी है और दुश्मन भी। वर्ल्ड के जितने भी ग्रेट बिजनेसमैन हैं, वो सब अपने दिन भर के टाइम में से कुछ टाइम सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूरी बनाए रखने में निकालते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर टाइम इंटरनेट पर लगे हुए रहते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करना हमारे हाथ में। खुद को वर्चुअल लाइफ में डूबने ना दें। लाइफ में लर्निंग भी ज़रूरी है, और सबसे पहले तो आप करेंट मोमेंट को एन्जॉय करना सीखें, बाकी सब उसके बाद। अनइम्पोर्टेंट टास्क दूसरों को करने दें। हर रोज़ कुछ टाइम अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको आपके परफॉर्म टास्क की वैल्यू इंक्रीज की जा सके। खुद को टेक्नोलॉजी का गुलाम ना बनने दें। और कोई आपसे कभी कम्युनिकेट करना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अपना टाइम वेस्ट करने दें। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के मास्टर बने, गुलाम नहीं। टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ को बेहतर और ईजियर बनाने के लिए, हमें 24/7 बिजी और रेस्टलेस बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ें अपने माइंडसेट में रखें। अगर इम्पोर्टेंट है तो कोई ना कोई आपको इन्फॉर्म कर ही देगा, और अगर नहीं तो उसके पीछे अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब आगे जानते हैं स्लाइस एंड डाइस द टास्क के बारे में। एक बड़ा टास्क और आपको पता नहीं है कि इसको कैसे शुरू करें, तो सलामी मेथड यहाँ पर काम करेगा। अपने बड़े से टास्क को अपने सलामी की तरह छोटे छोटे पीसेस में बांट लीजिए, फिर एक एक करके हर पीस पर अपना पूरा एफर्ट डालें। जैसे कि आप हर पीस को फिनिश करते रहेंगे, आप अपने टास्क को उतनी ही जल्दी फिनिश करना चाहेंगे। बिट टास्क कंप्लीट करने का और एक मेथड है, जिसे हम स्विच चीज़ मेथड बोलते हैं। जैसे हम चीज़ में पंच मार करके एक होल करते हैं, वैसे ही अपने टास्क में एक जोर का पंच मारें। यह आपको पता चल जाएगा कि टास्क को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें एंडोर्फिन्स रिलीज होती है। इसीलिए टास्क यानी कि काम को फिनिश करना आपको एक तरीके से हाई वाली फीलिंग दे सकती है, और आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं और लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, सक्सेसफुल बन सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिएट लार्ज चंक ऑफ टाइम के बारे में। डॉग्स कैसे जल्दी अपना खाना फिनिश कर लेते हैं, क्योंकि पहले वो खाने के लार्ज चंक्स काटते हैं और फिर उसे
चबाने और निगलने में टाइम लेते हैं। अपने टाइम का बढ़िया यूज करने के लिए सबसे पहले एफिशिएंटली आपका पूरे दिन का शेड्यूल बना लीजिए और दिन का एक स्पेसिफिक टाइम पूरी तरीके से सिर्फ अपने बड़े टास्क के ऊपर में फोकस करने के लिए रखें। लेकिन ध्यान रखें कि आपको चलते जाना है, एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना है। जब मॉर्निंग में आप काम पर जाए तो उसी टाइम दिन भर की प्रिपरेशन कर लीजिए। रोज के टाइम से थोड़ा सा पहले उठे और घर की थोड़ी ड्यूटीज बाकी कामों को भी पूरा कर लीजिए और अपनी लाइफस्टाइल को ऐसा रखिए जो एक सक्सेसफुल इंसान की होती है। और अब बात करते हैं डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी के बारे में। मतलब ये कि एक सक्सेसफुल एथलीट दिन रात हार्डवर्क करता है, जैसे किसी चैंपियनशिप में जाना हो, वो एक दिन भी आराम नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको खुद को एथलीट, प्रो एथलीट मान करके चलना है। अपने अंदर वो सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कीजिए, अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट ऑफ फ्लो में जाने के लिए ट्रेन कीजिए। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक सेंस ऑफ अर्जेंसी को डेवलप करें, यानी एक तरीके से अपने लिए इमेजिनरी डेडलाइंस को सेट करें। एक बार जब आप टास्क को स्टार्ट कर देते हैं तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ते जाएंगे और इस तरीके से सेम चीज़ को करने में कम एफर्ट फील होगा। किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन से बचे, खुद को बार बार रिमाइंड कराते रहे कि आपको काम करना है। अब आगे बात करते हैं सिंगल हैंडल एवरी टास्क के बारे में। मतलब ये कि एक शेर तब तक आराम नहीं करता है जब तक कि वो अपना शिकार ना कर ले। अपने काम को बीच में छोड़ देना और फिर से उसे शुरू करना, ये सब बस टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। एक बार जब आप टास्क पर लग जाए तो रुकिए मत जब तक कि वो 100% पूरा ना हो जाए। खुद को डिसिप्लिन करें ताकि आप जॉब कंप्लीट होने तक नॉन स्टॉप काम करते रहे। तो कहने का मतलब ये है, मुद्दा मामला ये है, कंक्लूजन ये है कि इस समरी में हमने अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे और सीखे, जिससे कि हर दिन को पहले से प्लान करके रखे, 80-20 रूल को हर चीज़ में अप्लाई करें, कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखें, हर काम में ABCD मेथड को यूज करें, हर काम को अर्जेंट में ले, खुद को मोटिवेट करे ताकि खुद को काम लेने में काम करवा सके और एट अ टाइम एक ही टास्क करे, मतलब एक टाइम में सिर्फ एक टास्क। थैंक यू।